आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में 2020 में दीन नाम वालों को क्या शुभ समाचार प्राप्त होगा, घर परिवार के लिए समय कैसा रहेगा, कार्य क्षेत्र में किस प्रकार के सुधार होंगे और किस किस्म की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आने पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर और लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, डी अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर है। अंक ज्योतिष के अनुसार भी इसका अंक 4 है, जो कि राहु का अंक है। डी नाम वाले लोग हर हाल में खुश रहते हैं और दूसरों में भी खुशियाँ बांटते हैं। जिंदा दिली डी नाम वालों के स्वभाव का विशेष गुण है। इसी कारण इनकी मित्रता का दायरा काफ़ी बड़ा होता है। कुछ डी नाम से संबंध रखने वाले लोग अपनी स्पष्टवादिता के कारण दूसरों की नाराजगी भी झेलते हैं। घर परिवार व कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव आने के कारण कई बार आपको लंबा संघर्ष भी करना पड़ता है। डी नाम वाले देखने में स्मार्ट व आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं। ये लोग अपने जिद्दी स्वभाव के कारण कई बार अपना नुकसान भी कर बैठते हैं, लेकिन डी नाम वाले भाग्य से ज़्यादा कर्म पर विश्वास करते हैं। ये लोग अपनी योग्यता के बल पर उन्नति करते हुए धन भी कमाते हैं, लेकिन खुले हाथों से धन खर्च करने की आदत के कारण परेशानी का भी सामना इनको करना पड़ता है। जरूरतमंद की मदद करने से ये पीछे नहीं हटते। प्यार और रिश्ते निभाने के मामले में डी नाम वाले पूरी तरह से समर्पित होते हैं। आप किसी की भी बात को जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाते। भावुकता के कारण आपको जिंदगी में कई बार नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। डी नाम वाले परमात्मा में विश्वास रखते हैं, लेकिन पाखंड से दूर रहते हैं। बंधुओं, आने वाला वर्ष 2020 आपके लिए क्या शुभ समाचार लेकर आ रहा है? आपका घर परिवार, वैवाहिक जीवन, कार्यक्षेत्र, व्यवसाय कैसा रहने वाला है, इस विषय पर जानते हैं। वर्ष 2020 के 4 महीने आपको अति शुभ फल देने वाले होंगे, जबकि 5 महीने सामान्य फलदायक और वर्ष 2020 के 3 महीने उतार चढ़ाव वाले रह सकते हैं। बंधुओं, इस वर्ष जनवरी का महीना आपके लिए कुछ विशेष पैगाम लेकर आएगा। इस दौरान कोई नई शुरुआत भी हो सकती है। बिगड़े कामों और बिगड़े संबंधों में सुधार का योग है। कारोबार में कोई बड़ी उपलब्धि होगी, आमदन का कोई जरिया सामने आएगा। इस महीने के कुछ दिन स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल रह सकते हैं। फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये तीनों महीने मिला जुला प्रभाव रखेंगे। कुछ जरूरी कामों में सफलता भी मिलेगी, किंतु इन महीनों में घरेलू मोर्चे पर कुछ कठिनाइयां भी होने का संयोग है। आमदन की दृष्टि से अप्रैल काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। कार्यक्षेत्र में कुछ नए अवसर मिलेंगे। शिक्षा, कर्ज, कानून, विदेश व जमीन संबंधी कुछ कामों में आपको सफलता प्राप्त होगी। इन 3 महीनों के दौरान नए रिश्ते जुड़ने की भी प्रबल संभावना है। मार्च में नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव रहेगा। कार्यक्षेत्र में कुछ नए किस्म की चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से तीनों महीने सामान्य रहने के संकेत हैं। मई व जून कुछ क्षेत्र में आपके लिए वरदान भी साबित हो सकते हैं। इन 2 महीनों में यात्राओं में बढ़ोतरी होगी तथा कुछ नए खर्चों से सामना होगा। इस अवधि में आपको जमीन, पुरानी निवेश में आपको किसी पुरानी मेहनत का अच्छा फायदा मिलने के भी योग हैं। इन 2 महीनों में संतान सुख में बढ़ोतरी होगी, रिश्तों में आ रही कठिनाइयां दूर होंगी तथा आपको किसी पुराने संपर्क का लाभ मिलेगा। कार्य व्यवहार से धन लाभ होगा, लेकिन कोई निजी चिंता कुछ समय मन को उदास कर सकती है। जुलाई में कोई नई शुरुआत होने का योग है।
निर्माण से जुड़ी योजनाएं आगे बढ़ेंगी, नौकरी पेशा लोगों को कोई बड़ा शुभ समाचार मिलेगा। आमदन की दृष्टि से समय सामान्य रहेगा, लेकिन किसी अन्य साधन से अच्छा लाभ होने के योग हैं। इस महीने घरेलू मोर्चे पर कुछ नई उलझन भी सामने आ सकती है। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये तीनों महीने आपके लिए काफ़ी शुभ रहने के संकेत हैं। इस दौरान किसी घरेलू जिम्मेवारी से छुटकारा मिलेगा, नए संबंध कायम होंगे, विरोधी पक्ष में आ सकते हैं तथा जमीन जायदाद से जुड़ा कोई विवाद हल होने का योग है। घर में व रिश्तेदारी में मंगल कार्य होंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, कैरियर की दिशा में कोई बड़ी उपलब्धि होने का संकेत है। कुछ करीबी लोगों के प्रति आपकी मनोदशा में अचानक बदलाव होगा, लेन देन से जुड़ी समस्याओं में राहत मिलेगी तथा कारोबार से संबंधित बाधाएं दूर होने का योग है। इन महीनों में आपको कोई अतिरिक्त लाभ भी मिल सकता है। वर्ष 2020 के अंतिम दो माह नवंबर व दिसंबर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होंगे। रिश्तों व संबंधों से जुड़ी कठिनाइयां दूर होंगी, पुरानी योजनाओं में सफलता का रास्ता खुलेगा। अचानक कोई धन लाभ होने से आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत हो जाएगी। कैरियर व शिक्षा से जुड़े कामों में कामयाबी मिलेगी, नए स्थानों पर जाने का अवसर मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों की प्रमोशन के भी योग हैं। वर्ष के इन अंतिम दो महीनों में कोई करीबी आपको निराश भी कर सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अनुकूल रहेगा। कोई नया काम बनने से नई ऊर्जा का संचार होगा। नवंबर व दिसंबर में आपका कोई पुराना सपना भी साकार हो सकता है। इसके अलावा कोई मनचाही वस्तु भी आपको मिल सकती है, क्योंकि इन दो महीनों में भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी का योग है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।